हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको ये टू कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ऊन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगती है, क्योंकि इसमें ये देखिए बैक साइड है, इसमें डबल धागा नहीं चलता, दोनों ही धागे हमारे थ्रेड अलग अलग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कलर में आप इसको बनाइए, ये बहुत ही सुंदर इसकी लुक है। और फंदों का इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे डालो आप उसी पे इस डिजाइन को डाल सकते हो, और बच्चों के ऑल प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स देखिए, सिंपल बता रही हूं मैं, सिंपल ऊन पे 10 नंबर की मैंने इसमें निडल ली है, ये 2 कलर मैंने इसमें लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप कलर, जिस कलर से भी आप बॉर्डर बनाओ, आप नीचे बॉर्डर बना लीजिए, कोई भी बॉर्डर अपनी पसंद से, और जो कलर आप ऊपर लगाओ उसकी आप ऐसे उसके ऊपर एक रो बना लीजिए। ये 2 रो में डिजाइन चलेगा, सीधी और उल्टी तरफ से। तो देखिए, कोई भी आप कलर, जो भी आप दूसरा ऊपर बॉर्डर के ऊपर आप इस डिजाइन में अगर कलर लगाओ जो दूसरा, उसकी आप इसके बॉर्डर के ऊपर 2 रो सीधी और उल्टी बना लीजिए। अब हम अपना डिजाइन बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक ये हम किनारे का फंदा रखेंगे, 2 3 4 5 6, इसको आप काउंट मत करिए, ये 5 और 1 में हमारा डिजाइन 6 फंदों में चलेगा। एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5, एक हम स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये देखिए इस साइड भी हमारे 6 फंदे बच गए। ये देखिए, अब आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में भी हमने इसको देखिए ऐसे सीधा बनाना है। ये रो आपने हर बार ऐसे उतारने, फ्रेंड्स, जो जैसा फंदा हो, जो हमने बनाया था उसी को हम सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से, और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हम थ्रेड अपनी तरफ करके उसको हम स्लिप करेंगे। ये देखिए, थ्रेड अपनी तरफ घुमाया, इसको स्लिप कर लिया, थ्रेड वापस किया, इसको हमने बना लिया। ये देखिए, थ्रेड अपनी तरफ किया, इसको उतारा, ये पूरी रो फ्रेंड्स मैं उतार के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब आप देखिए, ये फ्रेंड्स हमारा पिंक है जो मेरा, इसका ये लाइन, ये डिजाइन इसका बन गया 5 और 1 का। अब आप देखिए, अब मैं इसमें दूसरा कलर इसका मैं यूज करूंगी। तो देखिए, ये किनारे का फंदा है, इसको मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी। अब आप ये देखिए, इस फंदे को हम उतारेंगे, इसको हम बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इसको फिर हम उतारेंगे, ये 3 फंदे हम, 1 2 3, ये देखिए। अब इसको हटा के अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे क्रम चलेगा इसका, दूसरे कलर का 3 हम ये बनाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 बनाएंगे, 1 स्लिप करेंगे। पहली बार हमने 5 बनाए थे और 1 स्लिप किया था। ये देखिए, अब इसके आगे वाला हम स्लिप करेंगे, दोबारा से हम रिपीट करेंगे डिजाइन को, बनाएंगे, स्लिप करेंगे, और ये 3 बना लेंगे। ये देखिए, फिर हम इसको स्लिप करेंगे,
इसको बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये हम बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा डिजाइन चलेगा। फिर से हम इसको स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये हम बना लेंगे। अब आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड से ये रो हम ऐसे ही बनाएंगे। जो फंदा हमने बनाया था उल्टी तरफ से उसको हम सीधा बनाएंगे। जो हमने स्लिप किया था थ्रेड अपनी तरफ घुमाएंगे, उतारेंगे, वापस थ्रेड पीछे, इसको बनाएंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ, इसको उतारेंगे, फिर थ्रेड पीछे, इनको हम बना देंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ, इसको उतारेंगे, थ्रेड पीछे जाएगा, इसको बनाएंगे, थ्रेड अपनी तरफ, इसको उतारेंगे, फिर थ्रेड पीछे। मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब मैं वापस अपना दूसरा कलर इसमें लगाऊंगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे फंदे घटते जाएंगे, डिजाइन हमारा ऐसे ही नहीं चलेगा कि जैसे हमने यहाँ पे पहले 6 फंदे लिए थे वो ही हम 6 फंदे लेंगे। बीच में हमारा डिजाइन ऐसे बाहर की तरफ ये ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारे घटते बढ़ते फंदे रहेंगे साइडों में, बीच में ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई फंदा नहीं है आगे, तो इसलिए मैं इसको बना लूंगी। ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्रम हमने बार बार ऐसे ही इस कलर में ऐसे हम फंदे अपने बनाएंगे। 3 और ये 4, 4 फंदे हमने बना लिए। आगे हमारे फंदे कम हैं। जो ये फ्रेंड्स देखिए ये 5 फंदे हमने ये बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमने स्लिप करना है इससे, जस्ट इससे आगे का ये हम स्लिप कर लेंगे। ये 5 और 1 की वो ही हमारी फर्स्ट वाली रो बन गई है डिजाइन की। 1 2 3 4 और ये 5, 5 बना लेंगे, 1 स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बनाएंगे और 1 स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 5 बनाएंगे और 1 स्लिप कर लेंगे। ये देखिए अब आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फ्रेंड्स जो फंदे हमने बनाए थे उनको हम बनाएंगे उल्टी तरफ से सीधा हर बार, और जो हमने स्लिप किए थे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे, उसको हम उतार लेंगे और इनको हम ऐसे उल्टी तरफ से सीधा बना देंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा उतारेंगे, थ्रेड पीछे जाएगा। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये रो हमने उतार ली है। अब फिर से हम आ गए हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, इस तरफ हमारा डिजाइन खिसकेगा और यहाँ हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे। तो देखिए अब हमारे फंदे यहाँ पे कम हैं, तो पूरा डिजाइन हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए इसको हम एक ही फंदा हमारा यहाँ पे उतरेगा, क्योंकि आगे जो हम एक फंदा बना के उतारेंगे वो हमारे फंदे यहाँ पे नहीं है, और ये हम बना लेंगे। अब ये उतारेंगे। ध्यान से देखिए जो हमने पहले उतार रखा था उसके जस्ट आगे वाला हमने स्लिप करना है और इसको हम बनाएंगे, इसको हम उतारेंगे। ये इस कलर में आपने ये 5 फंदे फ्रेंड्स ऐसे ही बनाने हैं। देखिए 3 1 1 और 1, 3 बनाने हैं, 1 स्लिप करना है, 1 बनाना है, 1 स्लिप करना है। उसमें हमने 5 सीधे बनाए थे और 1 स्लिप किया था, और इसमें हमारे ये 6 फंदे ऐसे बनेंगे।
इस चीज का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए। ये स्लिप करेंगे, ये बनाएंगे, ये स्लिप करेंगे, एक दो और ये तीन, ये बना देंगे, ये स्लिप करेंगे, एक फंदा हो गया, ये बना लिया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, ये फंदे फ्रेंड्स हमने ऐसे बनाने हैं, ये देखिए, और इसको हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए बीच के फंदे आपके ऐसे ही रहेंगे, यहां पे घटते बढ़ते रहेंगे, इसलिए मैं फ्रेंड्स बार बार बता रही हूं, क्योंकि कई बार जो बिगनर्स की समझ में कम आता है ये डिजाइन। ये देखिए स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ये उतार लिया और इनको हम बना लेंगे, एक दो तीन, थ्रेड अपनी तरफ घुमाया, इसको उतार दिया, थ्रेड पीछे किया, इनको हम बना देंगे, जो बनाया था उसको बनाएंगे, जो स्लिप किया था उसको थ्रेड अपनी तरफ करके स्लिप करेंगे, उल्टी साइड से ये रो आपने हर बार ऐसे ही बनानी है, फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, इसको उतारेंगे, थ्रेड पीछे जाएगा, इसको बनाएंगे, थ्रेड अपनी तरफ आएगा, इसको उतारेंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब आ गए हम सीधी साइड में, एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे फंदे घट रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो हमें ये वाली लाइन में पांच और एक का मेरा क्रम रहेगा, पांच एक जैसे और एक एक जैसा इस कलर में, और इस कलर में मैंने आपको अभी बताया है ये तीन का और ये दो का, ये हमारे हर कलर में हमारे फंदे चेंज होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये अपने हमें कौन से फंदे बनाने हैं, पांच एक दो तीन, तीन तो हम ये लेंगे, दो इसके आगे वाले ले लेंगे, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो देखिए यहां पे हम दो बनाएंगे, एक इसको आप टाइट कर दीजिए, दो बनाएंगे, ये हम स्लिप करेंगे, और आगे के एक दो तीन चार और ये पांच, ये देखिए फिर ये फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार और पांच, वही पांच का और एक का हमारा क्रम बन गया। अब बीच में से यहां से देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां से आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहां पे हमारा डिजाइन बाहर की तरफ ये खत्म होता जाएगा। तो आप अगले वाली डिब्बी से आप अपना देखिए कि कैसे हमने यहाँ पे फंदे सेट करने हैं। तो पांच ये हो गए, एक हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, इसको हम स्लिप कर देंगे। तो पीछे के ये फंदे हैं, ये हमारे कटते बढ़ते रहते हैं, ये देखिए बीच में हमारा डिजाइन ऐसे ही चलेगा, उल्टी साइड से ये रो आपने ऐसे ही उल्टी उल्टी बनानी है। एक बार और देख लीजिए, बिगिनर्स को कई बार फ्रेंड्स परेशानी होती है, इसलिए मैं हर रो मैंने उतार के दिखाई है, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज के हमारे व्यूवर्स होते हैं तो वो देख के ही समझते हैं, उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने सारी हीरो की स्टार्टिंग करके बताई है। ये देखिए इसको हम बना लेंगे, बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको डाल लोगे। बस इस कलर का आप ध्यान रखिए, एक कलर के हमारे पांच एक जैसे और एक फंदा हमने स्लिप करना होता है, और एक के हम तीन एक जैसे, फिर एक स्लिप करेंगे और बीच का फिर हम बनाएंगे। ये देखिए
ऐसे आपका डिजाइन ये डलता हुआ जाएगा। जब आप फ्रेंड्स थोड़ा सा और ऊपर तक डाल लोगे तो इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए नए डिजाइन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।